अंग्रेजी को अच्छे बोल सकता हूँ, तुम बोलते हो। यहाँ पर तीन चार पार्टी तुम अंग्रेजी बोल लेते हो कि नहीं? तुम तरफ क्या आता है? हरे कृष्ण, तुम इन पर ट्रांस सुंदर प्राची और फिर अंग्रेज बोलना जानते हो तुम? जानते हो तुम उसके पास में बैठे ब्राजील में अपने पास में ट्रांसलेट हरे कृष्णा ही आप राजी वही बैठे ही कैन टू ट्रांसलेट यू ओके। और हिंदी इधर आओ, ए माया इधर आओ, सामना पीछे बैठो, कथा जो कथा नहीं सुनते हो पीछे बैठते, और जो कथा सुनते हो आगे बैठते, इधर आ जाओ, ए छोरा इधर। हरे कृष्णा बोले श्री प्रभुपाद की, ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पहुँचे हैं, यह स्थान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म स्थान है। ओके, कहिए इनके जो पिताजी थे श्रील सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये कृष्ण लीला के ये कमल मंजरी है। उसी समय वो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट पुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उनके पिताजी। इन्होंने ये जगत का स्थितियों को देखा, महाप्रभु जब आए जगत में शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्रचार की, लेकिन धीरे 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 वो भक्ति धीरे 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 लुप्त होती थी और जगत में तरह तरह का अपसंप्रदाय फैल गया है। आउल बाउल नेड़ा नेड़ी अलग अलग अपसंप्रदाय, मतलब है बीड़ी फूंकते हैं, तिलक लगाए, गला में कंठी, माछ मछली खाते हैं, हाँ माछ मछली खाते हैं, और बाबा जी माता जी कभी साधु ड्रेस पहने हुए लेकिन रहते हैं स्त्री को साथ में, वो भी ऐसे गौर कपड़ा पहन लिया स्त्री औरतों ने, हैं। इसलिए जगत में जब कोई व्यक्ति देखते थे बोलते थे हम कौन सा संप्रदाय के, बोले हम श्री महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन ये करते हैं जितने गलती काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, नस्ली वस्तु पान करते हैं, अवैध रूप में स्त्री संग करते हैं, माच मछली, जो कली की जो चार स्थान हैं सारे कली के चार स्थान को अपनाते हैं और कहते हैं हम कौन हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, हम चैतन्य महाप्रभु का भक्त। इसलिए दुनिया में जब कोई सुनते थे तुम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वो नाक सिकुड़ाया करते थे, बोले ऐसे गंदे काम करते हैं, ऐसे गंदे काम करते हैं, कहते हैं हम महाप्रभु का भक्त हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत कुछ ग्रंथ लिखे, जैव धर्म लिखे, इसलिए भागवत मरीचि वाला ग्रंथ लिखे, भगवत गीता को पर टीका लिखे उन्होंने, वैष्णव सिद्धांत माला, बहुत बहुत ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन लिखने के बाद उन्होंने देखा इतने सारे ग्रंथ तो मैंने लिख दिया और महाप्रभु की शुद्ध भक्ति धारा को मैंने प्रचार की,
लेकिन इसको बाद में इसकी इसको संभाल गया था। तब उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में से विमला देवी उनसे प्रार्थना की, हे विमला देवी आप तो श्री जगन्नाथ जी की शक्ति हो, है आप कृपा करो हमें ऐसे एक योग्य पुत्र दो जो पुत्र भविष्य में महाप्रभु का आपका शुद्ध भक्ति को जगत में प्रचार प्रचार कर सके, ऐसे एक महापुरुष। तो उनकी कृपा से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यहीं पर, उनकी माता जी का नाम थी भगवती देवी और पिताजी का नाम क्या था, क्या था पिताजी का नाम, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हैं उनको आश्रय करते हुए इन्होंने यहीं पर श्री प्रभुपाद जन्म लिए। बोले श्रील प्रभुपाद की यहीं पर उन्होंने जन्म हुए। और प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद कौन है, हम लोग सवेरे सुन रहे थे कहते प्रेस भाई तो सुता दई तानु चरम चरणाश्री तरेणो द रास्त महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमा जो प्रभुपाद के अंतर्गत है वो क्या देखते थे, ये वृषभान सुता दयिता चरम श्री राधा रानी की ये अत्यंत अत्यंत ये प्रियजन है, है? ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी, मतलब नयन मतलब आंखों है, मणि मतलब आंखों का अंदर जो पुतला है, है? और राधा रानी आंखों का जो पुतला है ना उसने ये प्रभुपाद का रूप धारण किया। राधा रानी हम सवेरे सुन रहे थे, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, हैं कहते शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रति जागो का हृदय मोर सुमंगल रति। कहते राधा रानी जो कृपा दृष्टि करती हैं, हैं जो कृपा दृष्टि को द्वारा उनका आंखों का माध्यम से कृपा होती है, इसलिए राधा रानी की जो कृपा है ना वही कृपा ही कभी श्रील प्रभुपाद रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए और यहीं पर, हाँ यहीं पर वो जन्म लिए। जब प्रभुपाद यहीं पर जन्म लिए, जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक का चिन्ह शरीर में था, द्वादश अंग में तिलक का चिन्ह था। हम जो जनेऊ पहनते हैं ये जनेऊ का भी चिन्ह, इनका अंदर में ये जनेऊ का भी चिन्ह था, हैं? इसलिए इसलिए इनका बचपन का नाम रखा विमला प्रसाद, हैं? क्योंकि विमला देवी की आशीर्वाद से इन्होंने जन्म हुए, इसलिए इनका नाम रखा, क्या नाम रखा, विमला प्रसाद, विमला के प्रसाद। लेकिन उनका भक्त लोग कहते हैं कहते भैया ये प्रभुपाद तो राधा रानी की नयन मणि मंजरी, पर ये विमला के प्रसाद कैसे हो गया, भगवान की ये बहिरेगा शक्ति है, कहते इनकी इनकी कैसे बोले, नहीं विमला एक राधा रानी की गण के अंदर में एक सखी का नाम विमला है, हाँ राधा रानी की एक सखी का नाम विमला, कहते उनकी ये प्रसाद है, इनकी ये प्रसाद है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर जब जन्म हुए, जब धीरे 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 बड़े हुए, एक नियम है रुचि परीक्षा, रुचि परीक्षा मतलब जो बच्चा घुटन पर चलना सीख जाए उनको सामने बहुत सारी चीज को रख देते हैं, सोना चांदी छतरी तलवार फल बहुत सारी चीज रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चा घुटन पर चलते 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 जो चीज को देखता है, जो चीज को पकड़ता है, उससे उसका भविष्य पता चलता है, ये बच्चा बड़ा बन करके क्या बनेगा। इनको सामने बहुत सारी चीज रख दी, लेकिन प्रभुपाद ने अपना घुटन पर चलते 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 श्रीमद भागवत ग्रंथ को उन्होंने आयोजन किया।
तब भक्त विनोद ठाकुर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, समझ गए, भागवत ग्रंथ को हमने पकड़ा, इसको देख रहे इतने खुश हो गए, ये बच्चा भविष्य में ये भागवत धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करेगा, हाँ, इसलिए बड़े खुश हो गए इन्होंने। जब यहीं पर प्रभुपाद रहते थे, यहीं पर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुआ करता है हर साल, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो रही थी, जगन्नाथ जी का जो रथ है यहीं पर 3 दिन तक उनका रथ रुक गया, रथ और टस मस रथ नहीं हुआ, बड़ी कोशिश कर लिया, हाथी घोड़े लगा दिए, रथ चलाई, हैं? 3 दिन को बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी जो पत्नी भगवत देवी जब प्रभुपाद को लेकर के आए और श्री जगन्नाथ जी के चरण के नीचे उनको प्रणाम करवाया, करते ही जगन्नाथ जी के गले में जो एक प्रसाद माला थी, अदृष्ट नाम का अधर माला था, वो माला अपने आप टूट करके प्रभुपाद के ऊपर में गिरा। बंडे लोग देख रहे आश्चर्य हो गए, मतलब जब भगवान की कृपा जिसके ऊपर होता है ना, पर ये माला है टूट करके गिरता है, इसका मतलब इनका आशीर्वाद है। बंडे लोगों ने कहा भैया ये जो बच्चा है ना, ये भविष्य में ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। और भगवत देव भक्तिमन ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जगन्नाथ जी 3 दिन तक खड़े रहे ठाकुर जी, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं लाए प्रभुपाद को, पहले ले आए, पहले क्यों नहीं लाए? बोले कारण है भक्ति विनोद ठाकुर ये कमल मंजरी, राधा रानी की मंजरी है, इसलिए कहते प्रभुपाद को नहीं, बोले राधा रानी की कृपा कटाक्ष से उनकी आंखों की जो पुतला है, इसलिए यहाँ पर राधा रानी मान की है। बोले तुम वही काले है ना, तू क्या कहा था जब कृष्ण ब्रज छोड़ कर जा रहे थे, राधा रानी पूछा कब आओगे, बोले आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊंगा, इसलिए ब्रज में एक स्थान है उसका नाम सी परसु, बोले मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोले मैंने वर्षा भी दी गया, अभी तक तेरा दर्शन नहीं मिला, तो वही काले हो, हाँ यही काले, पूरी धाम क्या है, इनको कुरुक्षेत्र मानी गई। बड़ी दिनों के बाद में राधा रानी की, बड़ी दिनों के बाद में कृष्ण को साथ में कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन हुआ है यहाँ पर, इसलिए राधा रानी यहाँ पर मान की है। बोले नहीं तो यही काला, तुम वहीं पर खड़े रहो, मैं आने वाले नहीं हूँ, भक्ति मिनट हमारे कमल में जगी थे, इसलिए उनको प्रभुपाद को लेकर के नहीं आए। लेकिन जब 3 दिन को बाद जब खड़े रहे हाथ जोड़ करके राधा रानी मान जाओ मान जाओ मान जाओ, फिर कमल मंजरी प्रभुपाद को लेकर के फिर आते ही और प्रणाम करके क्या होता है, बात उसकी गले की माला टूट कर गिर पड़ा, मतलब कृष्ण भी जहाँ राधा जी के चरण में अपना सर को झुका देते, बोले राधा रानी अभी तो मान जाओ, बड़ी देर हो गया अभी तो मान जाओ, इसलिए हैं, इसलिए प्रभुपाद यहीं पर रहते समय जब यहाँ पर घर का कोई भित्ति खनन हुई, वहां पर श्री कुर्म देव का विग्रह निकला, तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद को भक्ति में ठाकुर कुर्म देव का मंत्र दिया और कैसे तिलक करनी चाहिए, द्वादश अंग में तिलक कैसे करनी चाहिए, उनने सब शिक्षा दी और उनको कुर्म देव का मंत्र प्रदान किया। प्रभुपाद कुर्म देव का क्यों पूजा करें, प्रभुपाद कहाँ राधा रानी के नयन, ये कुर्म देव का क्यों उपासना करेंगे, तो भगवत अवतार कुर्म देव, नहीं जो कुर्म देव है ये जब महाप्रभु कृष्ण प्रेम में क्या होता था, महाप्रभु का सारा शरीर अंदर में सिकुड़ जाते थे अंदर अंदर, इसलिए कुर्म देव नहीं, जब ये अष्ट सात्विक विकार से, हाँ भगवान के अष्ट सात्विक विकार से उनका सारा शरीर जो अंदर में चली जाती है, कभी ये सिर्फ मत कुर्म देव है, ये कोई साधारण कुर्म देव नहीं है। यहाँ पर एक है गौर विहार, बहुत बढ़िया स्थान, हम देखेंगे अगर समय होगा तो ले जाएंगे, महाप्रभु कैसे कृष्ण प्रेम में कैसे अलग हो जाता था पूरा, हाँ लंबा रास्ता महाप्रभु कैसे पड़े हुए, कभी कछुआ बन करके हाथ में वहाँ पर बड़ा सुंदर सुंदर बनाया, बड़ा सुंदर गौर विहार, देखेंगे अगर होगा तो हम सबको लेकर के बाद दिखाएंगे, बहुत बढ़िया स्थान बनाया।
इसलिए श्रील प्रभुपाद यहीं पर रह करके उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्वस्त में यहीं पर जब प्रभुपाद थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बड़े हुए प्रभुपाद तब इनको जगन्नाथ मंदिर में वहां पर जहां पर महाप्रभु का चरण चिन्ह है भक्ति विनोद ठाकुर रोज कथा करते थे उन्होंने प्रभुपाद को लगाया तुम भी कथा यहाँ पर करो। लेकिन प्रभुपाद को जो कथा है ना बड़ा स्ट्रांग कथा था, कोई उनका कथा पे कोई समझौता नहीं, एकदम स्ट्रीट बोलते थे भजन करो नहीं तो जाओ। इसलिए प्रभुपाद जिस समय प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद किसने कहा बोले प्रभुपाद अगर वो दो चीज को आप अगर छूट दे दोगे ना ये पृथ्वी के जितने सारे लोग हैं वो सब के सब आपके संप्रदाय में आ जाएंगे, जगत में और कोई संप्रदाय नहीं रह जाएगा, केवल एक संप्रदाय श्री गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी महाप्रभु का नाम गुण केवल एक ही केवल संप्रदाय रह जाएगी है, केवल दो चीज की छूट दे दो। बोले कौन सा दो चीज है, बोले एक चाय और एक बीड़ी, एक चाय और एक बीड़ी केवल यही दो चीज आप केवल छूट दे दो है फिर क्या होगा सारा संप्रदाय मिल करके सबके सब आपके संप्रदाय में आ जाएंगे। केवल प्रभुपाद ने कहा देखो हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, हजार तारे क्या करते कोई लाइट नहीं, लेकिन एक जो चंद्रमा है ना पूरा दुनिया को एक चंद्रमा पूरा दुनिया को आलोक कर देता है, लेकिन हजार चंद्रमा भी कुछ नहीं कर पाते। हमें ज्यादा चेले की जरूरत नहीं, केवल एक चेला हो केवल एक शिष्य हो, जो व्यक्ति शुद्ध रूप में महाप्रभु की धाराओं को ठीक रूप में रखा करे, एक व्यक्ति होनी चाहिए जो सही से पालन करे। हजार नाम से महाप्रभु का धारा में हजार भक्त बने, लेकिन बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान बीड़ी मांस मछली खा रहे तिलक तिलक हमको जरूरत नहीं समझ, हमें ये सब चीज की जरूरत नहीं, हमें तो एक शुद्ध भक्त की हमें जरूरत है जो दुनिया को आलोक कर ले दुनिया को। इसलिए श्रील प्रभुपाद साधारण लोगों को पास में प्रभुपाद क्या समझते थे, उनका नाम रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इतने प्रभुपाद बुद्धिमान थे, इतने कभी जो ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल थे ना एक बार उनके साथ उनकी भेज हो, वो बड़े वृद्ध व्यक्ति थे उस प्रिंसिपल ज्योतिष विभाग के, प्रभुपाद कम उम्र के बालक है, एक बार एक ऐना से शब्द से मतलब जब ऋतु बदलता है ना जैसे गर्मी से ठंडा ठंडा से बदलता है, केवल इसी विषय पर उनके साथ में शास्त्रार्थ हो गई। प्रभुपाद ऐसे ऐसे प्रभुपाद उनको विचार दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे विचार प्रभुपाद बोल रहे थे, वो तो चेयर में बैठ बैठ कर काटे पिसाब कर दिया उन्होंने, इतने नर्वस हो गए प्रभुपाद की विचार को सुनकर के इतने नर्वस हो गए काटे पिसाब कर दिए। फिर वहां के जो बड़े बड़े व्यक्ति वाले प्रभुपाद ये ज्योतिष विभाग का जो सर्वोच्च जो पद है आप इसको स्वीकार करो, ये गद्दी पर आप बैठे हो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखो, प्रभुपाद ने कहा मैंने इसी जगत में मैंने ये तारे और ईंट पत्थर को गिनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो महाप्रभु का एक पियन हूं, ये जगत में महाप्रभु का जो शुद्ध धारा शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए आया हूं, हम ये सब काम करने नहीं आया हूं। जब प्रभुपाद कुछ दिन अंदर में उनने सारे विद्या को पढ़ लिया, लेकिन जब प्रभुपाद स्कूल में जाते थे कॉलेज में जाते थे जितने समय तक वो कॉलेज में रहते थे स्कूल में पढ़ते थे उस तक केवल उतना समय घर में आकर नहीं देखते थे, घर में आकर के वेद पुराण भागवत गीता गोस्वामी ग्रंथों को प्रभुपाद अध्ययन करते थे हैं? तब उनके जब अध्ययन समाप्त हो गया अध्ययन खत्म हो गया अभी कोई तो नौकरी चाकरी करनी चाहिए, इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा तुम क्या करेंगे करो त्रिपुरा, त्रिपुरा इनका देश है त्रिपुरा, वहां पर एक राजा था बोले इनको उनका एक बेटा था बोले इनको ट्यूशन करा बच्चे को,
और ठीक है, जब उनको ट्यूशन कराने के लिए गए तब प्रभुपाद बड़े विद्वान, उनको तो ट्यूशन तो कराते थे, पढ़ाया करते थे, लेकिन उसको साथ साथ में भी उनको भक्ति की बात बोलते थे। देखो ये जीवन कितने दुर्लभ जीवन है, ये 84 लाख जीवन को बाद में ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर दिया है। क्यों दिया है? खा पी करके गधे कुत्ते सुअर जैसे जीवन बिताने के लिए नहीं दिया है। खाना पीना सोना तो कुत्ते गधे करते हैं, लेकिन ये मानव शरीर का जो मूल उद्देश्य है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म को जानने के लिए, वो भगवान को जानने के लिए भगवान ने ये मानव शरीर दिया, इसलिए जीवन पा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 क्रोध, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए भगवान, इसलिए ये मानव शरीर दिया, इसलिए भजन के लिए दिया है, गधे कुत्ते जैसे जीवन के लिए नहीं। उन्होंने कैसे हरि कथा सुनाया ना, कैसे हरि कथा सुनाया, वो जो राजा का एक ही बेटा था, वो बाद में राजगद्दी का संभालने वाले, कहते ना संगत सबसे बड़ा प्रभाव है, जैसे संगत में रहोगे वैसे रंग बदलेगा। वो प्रभुपाद जैसे संग है, वो बच्चा धीरे धीरे ना तिलक लगाने लग गया, गला में तुलसी की माला पहनने लग गया और हरिनाम माला लेकर हरे कृष्ण जब करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पिता माता के प्रति जो प्रेम था ना, और वो बात नहीं करता, समय मिले तो बस माला लेकर भजन करना शुरू कर दिया। जो रानी थी ना, राजा को बोला इसको जल्दी से जल्दी इसको हटाओ, बच्चा को लगता है तो मेरे बेटा को साधु बना देगा, बाबा जी बना देगा, मेरा बेटा तो कंठी माला तिलक भजन करना शुरू कर दिया, अभी क्या हो गई बाबा, एक ही बेटा पर राजनीति कौन संभालेगा। उसने बोला ये इसको प्रभुपाद को जल्दी जल्दी इसको कथा इनको पढ़ाई की जरूरत नहीं। राजा ने को बोली जाकर नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, एक ही बेटा जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा ने प्रभुपाद को बुलाया, बोले विमला प्रसाद तुम्हें बच्चे को पढ़ाने का जरूरत नहीं, जो महीना का तनख्वाह पूरा का पूरा करके मैं दूंगा, इसलिए बच्चे को पढ़ाया मत कर, जरूरत नहीं, उसका पढ़ाई हो गई और उसको छोड़ दो। प्रभुपाद ने कहा हमें पैसा की जरूरत नहीं, मैं जब काम के लिए आया था ना वो काम मेरे बन गया। बोले प्रभुपाद क्यों आए थे, कारण क्या? बोले उनको पास में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी में जितने हमारी पुराने पुराने ग्रंथ हैं और वेद उपनिषद सारे ग्रंथों, उसमें सारे ग्रंथ था। इसलिए प्रभुपाद सोच रहे थे अगर ये बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा फिर क्या होगा, अपना आदमी बन गया, नंतर फिर सारे ग्रंथों को मैं पढ़ सकता हूँ। इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथों को, प्रभुपाद ने ये बहाना बना करके ना उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, सारे ग्रंथ अध्ययन कर लिया। बोले जो काम के लिए आए थे मेरे काम हो गया, कोई जरूरत नहीं, सारे ग्रंथ पर तो मैंने पढ़ लिया है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं, बस काम तो हो गया मेरे। इसलिए कहते प्रभुपाद ने ऐसे धीरे 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 प्रभुपाद ने फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और उन्होंने श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण की। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला था जिंदगी में मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने बोले तुम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से तुम दीक्षा मंत्र लो। पता नहीं 15-16 बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं मैंने प्रतिज्ञा की मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद ने बोले अगर ये दीक्षा पत्र नहीं देगा तो प्राण छोड़ दूंगा। प्रभुपाद फिर आकर के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को बोलते हैं ये बच्चे को क्या मार डालोगे, ये बच्चे को क्या मार डालोगे, दीक्षा मंत्र दो। फिर उन्होंने बोले जब भेजे बोले ठीक है भेज देना, भेजे बोले देखो तुम कल आना फिर मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, अगर चैतन्य महाप्रभु आदेश देंगे ना फिर से मैं काम कर सकता हूँ। जब फिर गए बोले मैं महाप्रभु को पूछना भूल गया, फिर आना
ऐसे उन्होंने कितना बार प्रत्याख्यान किया, वापस में जाऊ है बड़े कष्ट से उन्होंने प्रभुपाद उन्होंने दीक्षा मंत्र दिया। जब यही प्रभुपाद रहते थे भक्तिविनोद ठाकुर एक दिन कुछ आम लाए थे, एकदम पक्का हुआ आम, मीठे मीठे आम, इसलिए आए थे ठाकुर जी को भोग लगाएगी। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई खाने का चीज देखे बच्चे क्या करते हैं, उठा कर खा लेते हैं। प्रभुपाद जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगने से पहले उन्होंने एक आम खा लिया। आम खा लिया तो ये बात भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े डांट लगा, बड़े ठाकुर जी को भोग लगाई नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, पहले उठा कर तुमने खा लिया, उन्हें डांट लगाया। तब से प्रभुपाद प्रतिज्ञा की जिंदगी में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, जिंदगी में कभी आम नहीं खाऊंगा। क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए जो आम लाए थे बगैर भोग लगाए, मैंने ये आम कैसे मैंने खा दी है? यहाँ शिक्षा देते हैं जब कोई चीज खाओ पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ते से ठाकुर जी को भोग लगा, भोग लगा करके उनको प्रसाद रूप में हर चीज को स्वीकार करनी चाहिए। बगैर प्रसाद को कोई चीज हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद ने ये शिक्षा दी। कहते प्रभुपाद का जो भाई हो भी और भी दूसरे दूसरे भाई थे, छह सात भाई में एक दिन उनका एक भाई यहाँ पर बड़े बीमार पड़ गए। प्रभुपाद उनको हवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते हठात जिनकी सेवा कर रहे थे ना उनको ललाट में ये रामानुज संप्रदाय का जो तिलक हठात उनको ललाट में दिखाई पड़ा, हठात दिखाई पड़ा। तो उन्होंने प्रभुपाद को बोले, बोले प्रभुपाद मैं पहले जीवन में मैं रामानुज संप्रदाय का एक बहुत बड़ा आचार्य था, लेकिन मैंने ये गौड़ीय वैष्णव को मैंने क्रिटिसाइज किया है, गौड़ीय वैष्णव को मैंने क्रिटिसाइज किया तो ये वैष्णव अपराध हो गया। अपराध होने के नाते मेरे को ये अपराध से मुक्ति पाने के लिए मेरे को ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का गर्भ को आश्रय करके मेरे को आना पड़ा। ये भक्तिविनोद ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत संत, बहुत बड़े संत, और जो तुम है ना एक दिन तुम भी एक बहुत बड़ा साधु बनोगे, हैं? इसलिए तुम हमारा अपराध को माफ कर दो, अपराध को माफ कर दो, मेरे मुक्ति मिल जाएगी। फिर प्रभुपाद ने माफ कर दिया। इसलिए ये वैष्णव अपराध बड़े खतरा होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले भजन भले ही ज्यादा मत कर दिया करो, ज्यादा भजन भजन भले ही कम हो लेकिन कभी वैष्णव अपराध को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर तक ना फिर इसके लिए भटकना पड़ता है। उनको इतने बड़े साधु थे तभी उनको मुक्ति नहीं मिली, फिर उनको इनके बच्चे रूप में फिर जन्म ग्रहण करना पड़ गया। कहते प्रभुपाद फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण करते हुए उन्होंने सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार की। जैसे भक्ति का अंग 64 भक्ति का अंग है, इन्होंने ये 64 मठ बनाए, ये 64 उन्होंने गौड़ीय मठ बनाया, उन्होंने गौड़ीय मठ बना करके सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए अभी जो थोड़े बहुत दिख रहे हो हम कंठी तिलक माला लगा कर भजन कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रभुपाद का ही कृपा है। अगर ये महापुरुष इस जगत में नहीं आते, हम जो थोड़े बहुत कोशिश कर रहे हैं हरिनाम करने के लिए भजन करने के लिए, ये भी हमारे लिए संभव था नहीं, केवल इसी महापुरुष का ही ये कृपा है। इसलिए इनकी तो बहुत सारी कथा है, जब फिर मठ में जाएंगे, जब फिर मठ में जाएंगे फिर इनकी कथा हम और सुनेंगे। हम इनकी इस चरण में आए, इनकी चरण को प्रणाम करें, प्रणाम करते हुए इनसे प्रार्थना करें, आप ये गौड़ीय मठ स्थापन किया, आपका आशीर्वाद से हम आपके बच्चे के बच्चे, इनके बच्चे की बेटे हम सबके सब।
हम तो उनके बेटे की बेटा, आप उनके बेटे की बेटे के बेटे हो आप लोग सब। हाँ, इसलिए अपना बेटा को देखना जितना प्यार उनका, जो उनका बेटे को ज़्यादा प्यार होता है, उनका ज़्यादा प्यार उनका बेटे के बेटे के प्रति होता है ना। दिन भर नाती पोती को लेकर गोद में लेकर के, हम भी सब नाती पोती आप लोग हैं। इसलिए आप प्रभुपाद से प्रार्थना करो, आप आशीर्वाद करो, जैसे आप इस जगत में जो विमल शुद्ध भक्ति धर्म को प्रचार किए है, एक दिन उसमें हम स्नान करते हुए अपने जीवन को हम धन्य बनाए। बोले चले भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।